हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हमारे स्टूडियो चैनल आरपी लैब का स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं सीटेट का आंसर की के बारे में। जहाँ दोस्तों सीटेट ने जो है आंसर की जारी कर दिया गया है। सीटेट दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम था और दिसंबर जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर आपने वो एग्ज़ाम अटेंड किया है तो आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर के साथ आपका रिस्पॉन्स भी मिलेगा, उसमें आपने कौन सा आंसर चूज किया था वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप आसानी से अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और सारा आंसर देख सकते हैं कि आपने क्या क्या उसमें चूज किया था। सारा क्वेश्चन के साथ अपना रिस्पांस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम पीसी से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। उस चीज़ के बारे में बताएंगे आपको। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको सीटेट का जो है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आना होगा। आप कहीं भी कोई भी ब्राउजर में आप टाइप करेंगे सीटेट.nic.in तो इस वेबसाइट में आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके इस वेबसाइट में आ सकते हैं। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे भी आप यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे डाउनलोड सीटेट दिसंबर 21 क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है उसका भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको इस पे डाउनलोड सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पॉन्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका दो ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन से आप यहाँ पे अपना लॉग इन कर सकते हैं, अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे प्रो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, आपका एप्लीकेशन नंबर जो भी आपने पासवर्ड बनाया था, जब अपने फॉर्म अप्लाई करा था उस टाइम जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना होगा। दूसरा ऑप्शन है प्रो एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आसान यही होता है दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म सीटेट दिसंबर 2021 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, आपको जो प्रिंट आउट मिला होगा उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ होगा, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे दिखेगा वो सेम सेम यहाँ पे आपको इंटर सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर जो है आप आपने अप्लाई किया था उस टाइम जो आपको रिसीविंग मिला था उसमें भी लिखा होगा, आपका एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा। उसके बाद आपका जो मेल मेल या फिर मैसेज में गया होगा उस पर भी आपका लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये आईडी आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो अप्लाई किया था वो सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा व्यू क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा व्यू क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पॉन्सेज 7 जनवरी 2022 शिफ्ट 1। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 जनवरी 2022 शिफ्ट 1, ये जो है इनका जो मैंने जो कैंडिडेट का यहाँ पे ओपन किया है इसका एग्जाम डेट है। तो यहाँ पे आपका जो आपने एग्जाम दिया था वो एग्जाम डेट यहाँ पे आपका लिखा हो रहेगा, और शिफ्ट आपका लिखा रहेगा शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 जो भी आपने दिया होगा वो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है आंसर की यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आंसर की है। यहाँ पे आपका साइड में आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको पूरा शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सीबीएसई सीटेट 2021 S1 मतलब शिफ्ट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लिखा हुआ रहेगा। साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस एंसर्ड, एंसर्ड मतलब दोस्तों कि इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको आपने तो आंसर आपका इसने इसका दिया था, और आंसर आपने क्या चूज किया था यहाँ पे लिखा हुआ है चूजन ऑप्शन 4, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपने चार नंबर यहाँ पे आपने ऑप्शन चूज किया था। ये सही है या गलत ये आप अपना चेक कर लेंगे। इसी तरह आपने यहाँ पे पूरा जो क्वेश्चन है वो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, आप एक एक क्वेश्चन करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उसका आपने आंसर दिया था या नहीं दिया था। अगर दिया था तो क्या दिया था, और सही है या गलत है वो अपना खुद से आप अपना चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF में सेव करके आप अपना रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सिंपल सा प्रोसेस आंसर की डाउनलोड करने का। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। दोस्तों, आंसर की डाउनलोड करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।